नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ है जिसका मॉडल है वीवो वाई बार है। तो देख सकते हैं ये मॉडल वीवो वाई बार है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये वाटर डैमेज हुआ है। कस्टमर का फ़ोन आया है, उन्होंने बताया कि पानी में गिर गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये फास्ट बूट पर आ रहा है, उसके बाद कभी चला जाता है। अभी रुका हुआ फास्ट बूट पर, अभी चला गया। तो फास्ट बूट पर क्या हो रहा है, ये रिस्टार्ट हो रहा है बार बार। देखो, फास्ट बूट पर आया फिर दोबारा से चला जाएगा। तो सबसे पहले वाटर डैमेज है, तो खोलते हैं हम सेट को। खोलने के बाद हम चेक करते हैं पानी इसमें कहाँ कहाँ गया है, क्योंकि वाटर डैमेज कभी भी दोस्तों आपके पास कोई फ़ोन आता है ना, तो सबसे पहले आपको खोल के ये देखना पड़ेगा उसके अंदर पानी यानी जो वाटर ब्लॉक बने हैं वो कहाँ कहाँ है फ़ोन में। तो सबसे पहले इसका बैक पैनल हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अच्छा खासा पानी दिखाई दे रहा है ऊपर से ही। तो पहले बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके जो कैमरे वगैरह हैं उनको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी गया है इसको। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी गया हुआ है। चारों साइड में ये वाइट 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 हो रहा है चारों तरफ से। तो एक बार माइक्रोस्कोप में आपको शो कराते हैं। किसी ने यहाँ पे पहले काम भी किया, ये देख सकते हैं स्क्रू की जगह पे सोल्डरिंग वगैरह लगी हुई है। तो पूरा बोर्ड पानी में हो रहा है, पूरे बोर्ड में पानी है। तो दोस्तों ये इसका ऑन ऑफ की का है, इस पर थोड़ा सा पानी है, इसको हम साफ कर देते हैं। देख सकते हो दोस्तों किस तरह से इसमें पानी सड़ गया है अंदर। तो पहले हम इन चीज़ों को साफ करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे फ़ोन को। तो पहले ये साफ कर देते हैं ब्रश से। हो सकता है स्टील के अंदर पानी गया हो, तो बाद में चेक करेंगे वो। पहले जो कनेक्टर वगैरह में जो भी पानी आपको दिखाई दे रहा है उसे पहले साफ कर लेना है। फोन को चेक करना है फिर एक बार फोन की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों एक बार हम इसको पहले चेक करके देखते हैं क्या कंडीशन है, क्योंकि कनेक्टर वगैरह हम साफ सफाई किए हैं इसकी। अभी इसका ऑन ऑफ की नहीं लगा रहे हैं, बिना ऑन ऑफ की के इसको चेक कर रहे हैं। चार्जिंग का लोगो शो हुआ। तो फोन ने प्रॉपर चार्जिंग ले ली है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये चार्ज ले रहा है यहाँ पे, बैटरी का सिंबल आ गया। तो हम इसका करते हैं ऑन ऑफ की का जो पता है उसको लगाते हैं एक बार। तो ऑन ऑफ का लगाते ही क्या हो गया, वीवो पर आ गया, यानी कि हो सकता है ये शॉर्ट हो रहा हो। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है ऑन ऑफ की को, वीवो पर आ गया है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सेट आता है, तो आपने देखा इसमें हमने क्या किया कि वो सेट को खोला, खोलने के बाद जो वाटर डैमेज वगैरह था वो साफ किया है।
और पहले क्योंकि इसका ऑन ऑफ की लगा हुआ था उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या कर दिया, इसका ऑन ऑफ की का पत्ता हटा के हमने इसको चालू किया है, चालू हो गया, सेट प्रॉपर काम कर रहा है, बाकी पासवर्ड तो है नहीं क्योंकि कस्टमर का फोन है, टच वगैरह भी चल रही है। तो इस कंडीशन में अगर दोस्तों आपके पास कोई भी सेट आता है तो आपको देखना है उसके अंदर पानी कहाँ गया है। मान लो अभी ये चालू नहीं होता, डेड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इसकी डीसी रीडिंग चेक करते, डीसी रीडिंग से हमें पता लगता है कि फोन में कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर उसी हिसाब से इसकी जो स्टील वगैरह पावर आई के पास लगी हुई है उनके ऊपर से उठाते, बाकी चीजों को हम चेक करते, तो उससे हमें एक पता लग जाता है। दोस्तों आपके पास भी कोई सेट आता है किसी भी तरह का या किसी भी फॉल्ट का, तो बड़ी आसानी से आपको देखना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये तो कुछ नहीं था, बेसिक था, एक थोड़ा सा साफ सफाई की है उसका, ये ऑन ऑफ की इसका चेंज हो जाएगा, ये फोन हमारा ओके हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।